जो आ सकती है पर जा नहीं सकती उसी का नाम आसक्ति है। जो आ सकती है, जो आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है, जो आपके जीवन में आ सकती है, आपके जीवन को तबाह कर सकती है, आपके जीवन को खत्म कर सकती है, उसी का नाम आसक्ति है। उससे निकलना बड़ा मुश्किल है और प्रायः नामुमकिन है। जितनी आसक्ति गहरी होती जाएगी उतने आप त्याग से दूर होते जाओगे, बराबर समझ लेना। परमात्मा का मार्ग त्याग का मार्ग है, परमात्मा का शासन त्याग का मार्ग है, परमात्मा का संदेश वह त्याग का संदेश है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जीवन में जितनी आसक्ति बढ़ती जाएगी उतना त्याग आपका छूटता जाएगा, और जितना त्याग बढ़ाते जाओगे उतनी आसक्ति छूटती जाएगी। जो आसक्ति है पर जा नहीं सकती। आसक्ति यानी मोह, यानी अटैचमेंट, यानी जुड़ाव। और सबसे सरलतम व्याख्या आसक्ति की, यह मेरा है ऐसा जो भाव है वह आसक्ति है। मैं तो कई बार उदाहरण देता हूं, एक छोटी सी पेन आपकी घूम जाती है फिर भी आदमी व्यथित हो जाता है, व्यापार में नुकसान हो जाता है, आदमी व्यथित हो जाता है, संबंध टूट जाते हैं, आदमी व्यथित हो जाता है, किसी से अपेक्षा रखी और वह अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो भी आदमी व्यथित हो जाता है। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि समझ लेना, जहां जहां तू जुड़ाव करने गया वहां व्यथा के अलावा और कुछ भी नहीं मिलना है। जहां जुड़ाव वहां परेशानी, यह सूत्र बिठा देना दिमाग। जहां जहां तू जुड़ाव करने की कोशिश करेगा वहां वहां तेरे जीवन में परेशानी निर्मित होनी ही है, उससे तू नहीं बच सकता। जहां जुड़ाव होगा वहां से परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। ये जीवन का मूल मंत्र जीवन में बिठा देना, ये परमात्मा महावीर का संदेश आपके जीवन में बिठा देना। जिसने भी संसार में आज तक जुड़ाव किया है वो परेशान हुए बिना नहीं रहे, और दूर की तो क्या बात करें। हमारी गुरु परंपरा के गुरु गौतम जुड़ाव किया गुरु के साथ, कोई गलत जगह नहीं, लेकिन जब तक वह जुड़ाव टूटा नहीं, वह जुड़ाव में जागृति आई नहीं, तब तक केवल ज्ञान और केवल दर्शन से भी वह गौतम स्वामी महाराजा वंचित रहे। जितने शिष्यों को दीक्षा देते थे सबको केवल ज्ञान हो जाता था, जहां जहां दीजे दिख तहां तहां केवल उपजे। 50,000 शिष्यों को दीक्षा दी, उपदेश दिया, पढ़ाया, तैयार किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन खुद गुरु गौतम को केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो सकी क्योंकि जुड़ाव था। जहां जुड़ाव वहां पीड़ा, जहां जुड़ाव वहां परेशानी, जहां जुड़ाव वहां तकलीफ। और जीवन में समझ लेना, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में रहना है, सबके साथ जुड़ना है, लेकिन भीतर से अलग रहना पड़ेगा। यदि आपको जीवन में आकर के सबके साथ जुड़ने के बावजूद भीतर से अलग रहना नहीं आता तो आप परेशान होगे, उसका कोई रास्ता नहीं है। बहुत समझने जैसा यह जीवन है। कहा व्यक्ति को क्यों त्याग करने का मन नहीं होता, छोड़ने का मन क्यों नहीं होता, क्यों व्यक्ति पकड़े हुए सारी चीजों को। कोई भी चीज आपसे छोड़ने की बात करो आपको व्यथा होती है, पीड़ा होती है, परेशानी होती है। लेने की बात करो तो व्यथा नहीं होती, पीड़ा परेशानी नहीं होती, लेकिन जहां देने की बात आवे, जहां छोड़ने की बात आवे, जहां तोड़ने की बात आवे, जहां दूर हट जाने की बात आवे, वहां आपके जीवन में व्यथा, पीड़ा, परेशानी शुरू हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आपके जीवन में आसक्ति भरपूर।
प्रभु महावीर का मार्ग त्याग का मार्ग है, और त्याग का मार्ग यदि आपके लिए अच्छा बनाना है, यदि आपको त्याग के मार्ग के ऊपर चलना है, तो आसक्ति में से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट ऑपोजिट आसक्ति है। आप चाहते हो त्याग करना लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि आसक्ति है। इतनी चीजों का पकड़े हुए हो, जीवन में छुटना मुश्किल नामुमकिन हो जाता है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझ लेना, जो आ सकती है पर जा नहीं सकती उसी का नाम आसक्ति। आने की बात नहीं जाएगी। कभी कभी होता है संबंधों में किसी से बहुत जल्दी जुड़ाव हो जाता है, किसी से बहुत जल्द जुड़ जाते हैं, लेकिन छूटना शायद नामुमकिन हो जाता है। संपत्ति से जुड़ाव बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन वही संपत्ति को छोड़ने की बात आवे तो नामुमकिन हो जाता है। कई लोग ये संसार में ऐसे हैं, संपत्ति होते हुए भी दान नहीं कर पाते, संपत्ति होते हुए भी किसी को कुछ नहीं दे पाते, संपत्ति होते हुए भी अपने हाथों से किसी को कुछ अर्पण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति में भी उनकी आसक्ति है। गुरुदेव कई बार कहते हैं कि संपत्ति के दो ही परिणाम है, समझना। आपके पास जितना धन है, जितने पैसे हैं, जितनी दौलत है, जितनी शोहरत है, जितनी सामग्रियां है, जितने साधन है और जितनी संपत्ति है, उसके दो ही परिणाम है। या तो देकर जाओ या तो छोड़कर जाओ, लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं। दो ही परिणाम है ना, या तो किसी को देकर जाओ और या तो छोड़कर जाओ, ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह जानते हुए भी संपत्ति में से आपकी आसक्ति कम नहीं होती। क्यों? क्यों वह मोह छूटता नहीं, वह जुड़ाव छूटता नहीं, वह आसक्ति छूटती नहीं? परमात्मा कहते हैं कि दो ही परिणाम है और कुछ है ही नहीं। या तो अपने हाथों से देकर जाती से हाथों को पवित्र बना ले, जीवन को पवित्र बना ले। जो देते हैं वह हाथ पवित्र हो जाते हैं, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। अरे इतिहास में नाम अमर रहे ना रहे दूसरे नंबर की बात है, कहीं आपकी तख्ती लगे ना लगे दूसरे नंबर की बात है, लेकिन पहले नंबर की बात यह है कि आप देते हो तो आपको प्रसन्नता मिलती है। समझना, आप संसार में जितने भी देने वाले हैं हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और जितने भी लेने वाले हैं हमेशा दुखी रहते हैं। देने वाले प्रसन्न है, वह देकर के भी प्रसन्न है, और लेने वाला पाकर के भी दुखी है, क्योंकि मानसिकता लेने की है। प्रसन्न रहना है जीवन में तो देने वाले बनो, अपने हाथों को पवित्र करना है तो देने वाले बनो। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जीवन में संपत्ति के दो ही परिणाम है, या देकर जाओ या रोते रोते छोड़कर जाओ। मरते मरते भी संपत्ति में मोह रह जाता है। इतना कमाया, इतने पापस्थानकों का सेवन किया, अंततः क्या, रोते रोते छोड़कर जाने का। और इसलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि संपत्ति के दो ही परिणाम है, या देकर जाओ या छोड़कर जाओ, लेकर जाने की कोई व्यवस्था यहां पे नहीं है। समझाए छे ना बराबर? हिंदी में ना समझा तो गुजराती में समझाओ। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।